अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में आजकल हर एक चीज में क्रिएटिविटी का तड़का लगा दिया जाता है। शादी ब्याह से लेकर रेस्टोरेंट तक हर चीज थीम बेस्ड हो गई है। वैसे तो दुनिया भर में अजीबोगरीब रेस्टोरेंट की कमी नहीं है, लेकिन इनमें कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जिनकी थीम ने इन्हें बहुत शानदार बना दिया। आज की स्टूडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रेस्टोरेंट दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर वन, डिनर इन द स्काई रेस्टोरेंट। अगर आपको अपनी जिंदगी में एडवेंचर चीजें करने का मजा आता है, तब तो ये जगह आपकी पसंदीदा बनने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको 150 फीट की ऊंचाई पर जाकर खाना खाने का मौका मिलेगा। असल में दोस्तों, यहाँ पर एक क्रेन एक बड़े से प्लेटफॉर्म को लटका कर रखती है, जिसमें एक साथ 30 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। लेकिन यहाँ का खाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक शख्स को खाना खाने के लिए $300 खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप वाकई में ही एडवेंचर के शौकीन हैं, तो ये कीमत आपके लिए मायने नहीं रखती। नंबर टू, फिश कैफे। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपको मछलियों से डर लगता है, तब तो ये जगह आपके लिए बहुत डरावनी साबित होगी। लेकिन अगर आप मछली के काटने से मिलने वाली थेरापी का मजा लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ मजेदार खाना भी खाना चाहते हैं, तब तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले आपके जूते उतरवा दिए जाते हैं। इसके बाद चारों तरफ मछलियाँ घूमते हुए आपके पैरों को छूना शुरू कर देंगी, जिससे आपको फिश थेरेपी मिलेगी। ये रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है और कभी कभार तो यहाँ इतना रश होता है कि खाना खाने के लिए बैठने की जगह भी नहीं मिलती। नंबर थ्री, द ट्विन स्टार डिनर। दोस्तों, हम दावे से कह सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि रशिया में मौजूद ये रेस्टोरेंट किसी और चीज पर नहीं बल्कि ट्विंस की थीम पर बनाया गया है। यहाँ पर हर एक चीज पेयर में आती है, फिर चाहे वो फोटो हो या फिर यहाँ सर्व करने वाले लोग। और दोस्तों, अगर कोई जुड़वा बहन भाई यहाँ आता है, तो उनमें से एक को खाना फ्री में मिलता है। नंबर फोर, द किमी स्नो रेस्टोरेंट। दोस्तों, नॉर्वे में बना ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से बर्फ में बनाया गया है। यहाँ तक कि जिस टेबल पर बैठकर आप अपना गर्मा गर्म और लजीज खाना खाएंगे, वो भी बर्फ से ही बनकर तैयार हुआ है। यानी कि ठंड के मौसम में भी इतनी ठंडी जगह पर आकर खाना खाना किसी पागलपन से कम नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये रेस्टोरेंट बना था, तो साल में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आ गए थे, जिन्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद है। ये रेस्टोरेंट बर्फ से बना है, इसलिए जैसे ही सर्दी का सीजन जाता है, तो ये बर्फ पिघल जाती है और दोबारा से अगले साल ठंड का सीजन आने पर इस बर्फीले रेस्टोरेंट को तैयार कर दिया जाता है, जिसका साफ मतलब है कि हर साल ये रेस्टोरेंट आपको एक नई शेप में दिखाई देगा। नंबर फाइव, अंडर सी रेस्टोरेंट। दोस्तों, अब तक तो आपने समंदर के अंदर डाइविंग करने का सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप समंदर के अंदर डाइनिंग का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों, मालदीव्स में एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसके अंदर बैठकर आप समंदरी जानवरों को अपने आसपास तैरते देखते हुए डिनर कर सकते हैं। लेकिन इस रेस्टोरेंट में सिर्फ वो ही खाना खा सकता है जिसने इसका रूम बुक किया हुआ हो। नंबर सिक्स, द मॉडर्न टॉयलेट। अब हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जाने से पहले ही आप अपना दिल मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपका दिल खराब करने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं। यहां बैठने वाली सीट से लेकर खाने वाली टेबल तक हर एक चीज टॉयलेट थीम पर बेस्ड है। यहां तक आपको जो प्लेट खाने के लिए दी जाती है, वो भी टॉयलेट पोर्ट की तरह ही होती है।
नंबर 7 फोर्टिजा मेडिसिया रेस्टोरेंट। दोस्तों आप एक से बढ़कर एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का सोच सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने जेल में बैठकर खाना खाने का सोचा है? अगर नहीं तो आप इस रेस्टोरेंट को देख सकते हैं। ये रेस्टोरेंट एक जेल में बना हुआ है और इसमें काम करने वाले लोग उम्र कैद की सजा काटने वाले कैदी हैं, जो यहाँ पर खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का काम करते हैं। यहाँ काम करने वाला हर एक शख्स कोई न कोई क्राइम करके यहाँ आया है। यहाँ पर एक साथ 100 से ज्यादा लोगों का खाना सर्व किया जा सकता है। नंबर 8 द फ्रेश फीस्ट रेस्टोरेंट। दोस्तों 2017 में स्टार्ट हुए इस रेस्टोरेंट के मालिक को ये एहसास हुआ कि अच्छा खाना और शानदार सर्विस इस रेस्टोरेंट को पॉपुलर बनाने के लिए काफी नहीं है, इसलिए अपने रेस्टोरेंट को सेलिब्रिटी स्टेटस देने के लिए ओपनिंग के दिन ही बिकनी पहनी हुई ये लड़कियां लोगों को खाना सर्व कर रही थी, जिसकी वजह से पहले ही दिन इस रेस्टोरेंट की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई कि हर कोई यहां पर जाने के लिए बेताब था, खास तौर पर सिंगल लोग। इसलिए यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रश बढ़ने लगा और बिकनी पहनकर इस तरह खाना सर्व करने का ये आइडिया काम कर गया। आपको बता दें कि यहाँ काम करने वाली ये लड़कियाँ आम लड़कियाँ नहीं बल्कि मॉडल्स होती हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा पसंद आया है नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।